रहमानिर रहीम आज हम क्लास सिक्स के सोशल स्टडी में यूनिट पास्ट में अपना टॉपिक प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे एज यू नो दैट आवर प्रीवियस लेक्चर वाज़ अबाउट द सोलर सिस्टम इन विच वी स्टडी द सोलर सिस्टम टुडे वी विल डिस्कस द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम बट बिफोर स्टडींग प्लैनेट्स

इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए सालर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का ये एक बुनियादी इकाई है सूरज अगर सूरज ना हो तो निज़ाम शमसी का वजूद जो है वो नामुमकिन है तो सूरज को इसमें एक बहुत ज़्यादा अहम मकाम जो है वो हासिल है इसके बाद जो फस्ट हमारे पास प्लेनेट है ये मरकरी है तो कहते हैं कि मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लान टू द सन एंड द एट लार्जेस्ट प्लैनट यानी मतलब ये कि मरकरी सूरज से सबसे ज़्यादा करीब है एक सियारा है और ये आठवां बड़ा सियारा है इट हैज़ बीन विजिट बाई ओनली वन स्पेस क्राफ्ट मेरीनर टेन यानी मतलब इसको सिर्फ़ एक स्पेस क्राफ्ट यानी मतलब गया है और इसको एक मरतबा विज़िट किया गया है तो उसका नाम था मेरीनर टेन ये वो स्पेस क्राफ्ट है जिसमें ये सबसे पहले जो है वो आ, मतलब विजिट किया गया है और इसका जो टेम्परेचर है तो ये अमूमन एवरेज 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यानी मतलब और ये एक तेज़ी से हरकत करने वाला सियारा है ये सूरज के बिल्कुल क्लोज़ है, यानी बिल्कुल करीब है और ये अपना एक चक्कर जो है सूरज के गिरद 88 डेज़ एट में जो है वो कंप्लीट करती है फिर इसके बाद वीनस है जिसको उर्दू में जहरा भी कह सकते हैं कहते हैं कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ ये ज़मीन के बिल्कुल करीब है साइज़ आलमोस्ट सेम एज़ अर्थ और इसका जो मतलब साइज है वो बिल्कुल ज़मीन के यसाँ है मसावी है विजिबल बिफोर डॉन एंड आफ्टर सनसेट यानी मतलब सूरज निकलने से पहले और सूरज रूप होने के बाद आप इसका नज़ारा कर सकते हैं आप इसको देख सकते हैं और इसको यानी मतलब सुबह का सितारा या शाम का सितारा भी आप इसको कह सकते हैं और ये इसमें वालकैनिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है यानी अमूमन इसमें पाँच सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है मतलब दर्ज हरारत बढ़ सकता है और इसमें वालकैनिक एक्टिविटी होती रहती है वर्ड वी कैन से इट इज़ द सेस्टर प्लानट ऑफ द अर्थ ड्यू टू एट सिमिलरिटीज़ यानी इसकी सानियत की वजह से इसको ज़मीन का यानी मतलब बहन भी कहा जा सकता है ये ज़मीन की बहन की हैसियत भी रखता है इसके बाद हम अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं वी लाइव ऑन द अर्थ जिस पर हम रहते हैं इट इज़ अ राकी प्लेनेट एंड द ओनली प्लान देट सपोर्ट लाइफ ये वाद स्यारह है जिस पर जिंदगी जो है वह मुमकिन है सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सरपेस एस्कवर्ड इन वाटर और इसका सत्तर फीसद हिस्सा जो है वह पानी पर मुश्तम है द अर्थ हैज़ वन सेटेलाइट कार्ड द मून और इसमें सिर्फ एक चाँद है इट इज़ कंसिडर्ड ए डबल प्लेट सिस्टम और इसको दोहरा सियारे निी निज़ाम निजाम भी कहते हैं यानी मतलब ये ज़मीन जो है ये वाद सियारा है निज़ामी शमसी का जिस जिसपे ज़िंदगी मुमकिन है और जिसमें पानी भी है ऑक्सीजन भी है और हर एक चीज़ जो है वो अपने सही मकदार में मौजूद है तो ये सिर्फ़ ज़मीन वो सियारा है जिसको ये अहमियत हासिल है मार्स जिसको उर्दू में मरीह भी कहा जा सकता है ये मेरी है और एवरेज डिस्टेंस फ्राम दन वन टू यानी मतलब इसका जो सूरज से फासीला है वो एक सौ बयालीस मिलियन माइल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर है और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम इसका एवरेज अगर आप निकाल लें तो माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड में ये रहता है ये एक सॉलिड प्लेनेट है और इसकी जो मतलब इसमें एटमॉस्फेयर जो इसका है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड से और इसमें दो चाँद जो है वो ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं और इसमें दिन की लंबाई 25 घंटे तक है और इसकी इसका जो साल है वो छः सौ डेज पर मुश्तम है लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि ज़मीन पर हमारा एक साल जो है वो 365. सिक्सटी फाइव पॉइंट समथिंग मतलब डेज़ के बराबर होता है लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है जो कि छः सौ डेज पर मुश्तम है और इसमें भी वालकैनोज़ भी है और यानी मतलब सुरख किस्म का गर्द जो है वो आपको इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसका नजारा कर सकते हैं इसके बाद जुपिटर है तो जुपिटर को उर्दू में मुश्तरी भी कहते हैं कहते हैं कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन और सोलर सिस्टम यानी हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा जो है वह जपिटर है कहते हैं कि जुपिटर्स वॉलीम इज़ लार्ज एन अपू कंटेन थर्टीन हंड्रेड प्लेट्स दाइज आप और यानी मतलब आसानी से हम कह सकते हैं कि जुपिटर में हमारे ज़मीन जितने तेरह सौ ज़मींें समा सकती है यानी मतलब तेरह सौ सियारे ज़मीन के मुताबिक अगर आप इसमें डाल दें तो ये बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगा जुपिटर बहुत तेज़ी से घूमता है और ये तकरीबन टेन आवर्स में अपना एक यानी मतलब रोटेशन पूरा करता है लेकिन ये बारह साल जो है सन से ऑर्बिट में जो मदार में यानी मतलब ये हरकत करते हैं तो इसमें ये तकरीबन बारह साल में उसको कंप्लीट करता है अगर आप कोई सौ पाउंड की चीज़ ज़मीन पर वजन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जुपिटर पे दो सौ पाउंड्स के बराबर होगा यानी इसकी नस्बत जो है वो इस तरह है कि अगर आप यहाँ पे 100 पाउंड्स वज़न वाली चीज़ को आप वे करेंगे उसको वजन करेंगे तो वो जुपिटर पे लेके वही चीज़ आप जुपिटर पे अगर ले जाएंगे तो वो आपके दो पाउंड के बराबर होगा यानी वज़न में भी यहाँ पर बहुत तो डिफरेंस पाया जाता है ये सबसे बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द साल सिस्टम है और कंप्लीट वन रोटेशन इन टेन आवर्स इट्स ओन एक्सेस अपने एक मदार अपने का इसका जो मदार है उसके ये अपना एक चक्कर जो है वो दस आवर्स में कंप्लीट कर लेता है तो ये थे आज के लेक्चर के अहम जो प्लेनेट्स थे मैंने आपको डिस्कस किए तो उसमें एक था मरकरी फिर उसके बाद था वीनस और उसके बाद हमारा अर्थ फिर मार्स और फिर जुपिटर आज के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए आपका होमवर्क आप नोट कर लें कि जो आपका होमवर्क है वह है राइट एंड मेमोराइज द डिपनीशन ऑफ़ सालर सिस्टम मरकरी वीनस एंड अर्थ राइट एंड मेमोराइज द डिपनीशन ऑफ सॉलर सिस्टम मर्करी वीनस एंड अर्थ आज के लिए इतना काफ़ी है कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे अल्लाह हाफिज